कहते हैं मृत्यु अटल्य सत्य है। जी हाँ, इस वक्त हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं ये है लखनऊ का भैंसा कुंड, जिसको बैकुंठ धाम भी कहते हैं। और वक्त हो रहा है लगभग 12 बज रहे हैं। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, बहुत सन्नाटा है। पीछे अभी तक जो चिताएं हैं वो जल रही हैं, आग धधक रही है। इस बैकुंठ धाम में आज हम आए हैं ये दिखाने के लिए कि जो लोग कहते हैं कि यहाँ पर रात में भूत प्रेत और आत्माएं नज़र आती हैं उनको, क्या ये सच है या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं। कुछ लोग यहाँ शायद तपस्या कर रहे हैं किसी तरह की, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जाए या ना जाए, लेकिन हमें चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पूजा चल रही है किसी तरह की। आइए पूछ लेते हैं, क्योंकि इतनी रात में शमशान घाट में किसी का पूजा करना ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन लोग हैं, तो बात करते हैं। आइए, ये आप लोग यहाँ रात में क्या कर रहे हैं इतनी? यहाँ पे महाराज जी आए हुए हैं, कामाख्या धाम पीठाधीश जो गोमती नगर में है, तो महाराज जी आए हैं, हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे। उनका नाम क्या है? स्वामी शारानंद सरस्वती जी। अच्छा, कामाख्या धाम तो काफ़ी मशहूर है, ये उसी के पीठाधीश? जी जी जी। इतनी रात में ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम महाराज जी आते रहते हैं यहाँ पे अपना साधना करने, तो पूजा करने, आज चिता जल रही थी तो चिता साधना अपना करते रहते हैं। और जैसे हर महीने आते रहते हैं, तो आज महाराज जी ने हमसे कहा भी चलने के लिए, तो हम लोग आए हैं वहीं पे साधना कर रहे हैं। चिता साधना होती है? जी जी जी। तो क्या आप हमारी बात करा सकते हैं? जरूर करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि अभी महाराज जी पूजा कर रहे हैं। तो कितना वक्त लगेगा लगभग? अभी बस रुक जाइए, हम बोल देते हैं महाराज जी से, जैसा वो देखिए हमको बताएंगे वैसे ही हम आपको बताएंगे, फिर अभी रुक जाइए। ठीक बाबा जी, हम लोग आपसे मिलना चाह रहे थे क्योंकि हम लोग यहाँ आए थे एक खबर के लिए, लेकिन देखा कि इतनी रात में आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तो क्या आपसे कुछ मिनट बात हो सकती है हमारी? आप तो कामाख्या देवी धाम के पीठाधीश हैं और काफ़ी मशहूर भी हैं, तो इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पर हमारी तपस्या स्थली है, हम सन 1980 से यहाँ पर रेगुलर तपस्या किया हूँ 26 साल तक। लेकिन आपको इतनी रात में डर नहीं लग रहा यहाँ? अब डर लगने के कोई मतलब नहीं है क्योंकि मरना तो सबको एक दिन है ही है। कौन सी तपस्या है ये आपकी? ये हमारी तपस्या ये है कि हमको माँ भगवती की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे, काल भैरव बाबा कृपा सदैव बनी रहे, ताकि हम लोगों का कल्याण कर सकूं। तो अब कल्याण करने का कारण ये होता है कि हर तरह के लोग मेरे पास आते हैं, यहाँ तक कि आईसीयू में लोग चले जाते हैं, जब डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं तो लोग हमारे पास जब पहुँचते हैं तो हम अपने पूजन बंदन क्रिया कर्म के माध्यम से उनको, कई लोगों को आईसीयू से निकाला हूँ और आज जिंदा भी हैं लोग और अपने घर गृहस्थी को संभाले हैं। तो अगर ये तपस्या न हमारी होती तो हमको ऐसा शक्ति सामर्थ्य कहाँ से मिलता फिर? इस तपस्या को क्या कहते हैं? अब हम जो करते हैं यहाँ चिता साधना है, ये यहाँ चिता जल रही सामने। तो चिता और साधना से क्या प्राप्त होता है? चिता साधना से अब क्योंकि इंसान जब मर जाता है, मतलब देह उसका छूट जाता है प्राण, तो पंच तत्व से जो होता है वो शरीर की रचना होती है, ये हमारा वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुराण सबै कहते हैं। तो ये पंचभूत जो बोले जाते हैं, पंच तत्व उसके जो शरीर की रचना होती है, वो पंच तत्व यहीं पर समाहित होते हैं, और तो कोई जगह है नहीं, शमशान में ही समाहित होते हैं। तो उनके उस क्रिया काल में हम अगर तपस्या करते हैं तो उनका भी, पंच तत्वों का भी शक्ति हमारे शरीर को प्राप्त होती है। अब अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, लोगों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। अब जहां साइंस फेल हो जाती है, डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, तो हम अपनी तपस्या के माध्यम से उस कार्य को सफल करते हैं, उनको मरणासन्न की स्थिति से बाहर ले आते हैं। ये देखने के बाद तो लोग आपको तांत्रिक समझेंगे? नहीं, तांत्रिक तो अलग तरीके के होते हैं, हम अघोर पंथ से एक अघोरी तपस्वी हूँ, नहीं तो अमावस्या को बराबर आता हूँ कि मृत्यु होने के बाद
जब उनका दसवां तेरही होती है मनाया जाता है तेरहवां, तब तक वो आत्मा जो है भटकती रहती है, जहाँ घर है वहाँ और शमशान में जहाँ जलाया जाता है वहाँ तक दो आना जाना लगा रहता है 13 दिन तक। प्रेत यौन में वो आत्मा रहती है, प्रेत यौन के बाद जब वो 13वां बीत जाता है तब फिर उनको अच्छे अगर कर्म किए हैं, जो ये हैं जल रहे हैं, अगर ये अच्छे कर्म किए हैं तब तो फिर इनको पितृलोक मिलेगा। और अगर खाली लोगों को सताए हैं, लूट घसूट किए हैं और तरह तरह के दर्द लोगों को दिए हैं, तब फिर ये वो प्रेत यौन में ही रहेंगे, या ज़्यादा अगर दिक्कत होगी तो नरक लोक में चले जाएंगे और उनकी मुक्ति नहीं मिलती है। तो हम लोगों ने कहीं आपकी तपस्या में विघ्न तो नहीं डाला ना? अरे कोई बात नहीं, बाप आए प्रेम से और प्रेम से बात हो रही है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं एक नंबर का ये महाशमशान बोला जाता है, यहाँ की जो अग्नि है कभी बुझती नहीं है। अच्छा। कभी नहीं बुझेगी। अब जैसे ये जल रहे हैं चिता, पूरे शमशान में 20-25 लाशें जल रही हैं इस समय, इसलिए यहाँ की अग्नि कभी बुझती नहीं है, जागृत स्थल है। यहाँ की तपस्या फलदायी होती है। बहुत ऐसे शमशान घाट हैं कि हफ्ता 10 दिन बाद लाशें आती हैं, इक्का दुक्का आती हैं, लेकिन यहाँ तो 30-35-40-50 पर डे जलती हैं। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।